नमस्ते किसान साथियों। किसान साथियों, आज मैं आपको मेरे ओरिजिनल वेज डिकम्पोजर और गौ कृपा अमृतम का मेरा हल्दी पे कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत सारा इस्तेमाल किया है। हर 10-10 दिन में 800 लीटर मैंने छोड़ा है। पहले साल में जो हल्दी में छोड़ता था सिर्फ वो 200 लीटर था, क्योंकि वो मेरा पहला साल था और मैं ये देखना चाहता था कि पहले साल में मतलब सच में ये काम करता है कि नहीं। तो पहले साल में मुझे काफ़ी संतुष्टि हुई, मतलब बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। तो पिछले साल का रिजल्ट देख के मैंने उसको अभी 800 लीटर कर दिया, मतलब 400 लीटर वेज डिकम्पोजर और 400 लीटर गौ कृपा अमृतम। तो उनका मैंने 10-10 दिन में बाकी का छिड़काव भी किया है, मतलब मान लीजिए 400 लीटर में से 200 लीटर ड्रिप की सहायता से दिया है और 200 लीटर का बाकी का छिड़काव किया है, ऐसा आरी बारी से वो हम इसका इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं हल्दी की हाइट देखिए, और कुछ बीमारी भी नहीं है। किसान साथियों, पिछले महीने में बहुत बारिश हुई थी, लगभग 15 दिन तक कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, और इसकी वजह से क्या हुआ था, थोड़ा वो फंगस की बीमारी आ जाती है, क्योंकि सूरज नहीं, रोशनी नहीं पड़ती और हम स्प्रे भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वो बीमारी आने के बाद भी देख सकते हैं आप, पहले शुरुआत के पत्ते ऐसे जल चुके हैं, लेकिन जब से मैंने वेस्ट डिकम्पर और गौकृपा का स्प्रे कंटिन्यू चालू कर दिया बारिश बंद होने के बाद, तो वो फंगस की बीमारी, मतलब वो टेफ्रिना नाम की एक फंगस रहती है, उस पर पूरा नियंत्रण आ चुका है। और इसमें जो पत्थरों का तत्व का जो स्प्रे किया है और ड्रिप से भी दिया है, उसका भी शानदार रिजल्ट रहा है, कोई भी कमी नहीं। दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसान साथियों देखिए, पूरा हेल्थी है अपना पौधा जो है उसका हल्दी का, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और एक चीज़ मैंने अभी ऑब्जर्वेशन किया पिछले साल की तुलना में, जितना आप एक गौ कृपा अमृतम में वेस्ट डिकम्पोजर ज़्यादा छोड़ोगे, उतनी आपकी फसल जल्दी पक कर तैयार हो जाएगी। क्योंकि अभी ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये फसल मेरी एक महीना जल्दी तैयार हो जाएगी, और इसका परिणाम मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इधर आप देख सकते हैं, कभी भी आप देखना, जब हल्दी की फसल को इतना ऊपर से मिट्टी लगाने के बाद, अगर ऐसे मिट्टी को बाहर निकाल कर ये उसके कंद अगर बाहर आ जाते ऐसे, तो समझ लेना आपका प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। ठीक है, तो इसका इंडिकेशन है किसान साथियों, देखिए इधर भी देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और दूसरी बात किसान साथियों, ये आप कहीं भी देख लीजिए किसान साथियों, देखिए यहाँ पे फुटान भी कम नहीं है, मतलब 5, 6, 7, 6, 4, 5 ऐसा, मतलब फुटान भी इतना ज़बरदस्त हुआ है कि कुछ लोग वो 6BA करके ऐसा कल्चर रहते जो छोड़ते, जो हल्दी की फुटान बढ़ा दे, कुछ अलग अलग खाद छोड़ते। तो किसान साथी देखिए, सभी नेचुरली हो रहा है, तो क्यों हम रासायनिक पे ढेर सारा फालतू का खर्चा करें, कभी तो विश्वास करना चाहिए किसान साथियों को। तो ये हमारी बहुत दुख की बात है कि किसान सब सच्चाई सामने होने के बाद सिर्फ मेहनत करने की उनकी मानसिकता न होने के कारण ये ऐसी चीज़ें उनके से दूर रह जाती है। रासायनिक पे जितना हम भरोसा करता है, उतना जैविक पे क्यों नहीं करते, तो ये बहुत दुख की बात है। और इसी सच्चाई के लिए मैंने 2 साल से ये काम कंटिन्यू चालू किया है, और रिजल्ट आपके सामने है। आप कहीं भी देख लीजिए, फुटान देख लीजिए आप, कितनी एक ही कंद को देखिए कितनी सारी फुटान है, आप गिन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। सिर्फ यही नहीं, कहीं भी देख लीजिए किसान साथियों, देखिए बिल्कुल भी फुटान कम नहीं है, इतने फुटान ज़्यादा है। को भी वो वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सच्चाई सामने ला सकूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो भी फसल है, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए। और इसमें एक सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे ज़रूरी बात है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी। आप हर 10-10 दिन में आपको छोड़ना चाहिए। तो बहुत किसान भाई बोलते हैं इसको छोड़ना कितना दिन में है, तो मेरा ये कहना है कि महीने में 3 बार छोड़ो, या फिर कम से कम 2 बार तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ किसान भाई बोलते हैं अगर महीने में सिर्फ 1 बार छोड़ा तो किसान भाइयों, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, महीने में अगर सिर्फ 1 बार छोड़ोगे तो आपको समझ में, मतलब फ़ायदा कुछ भी दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। वो थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन आपको नज़र में वो आएगा नहीं वैसा कि हमें फ़ायदा हुआ है करके। तो कोशिश कीजिए हर 10-10 दिन में छोड़िए, भले ही आप 1 एकड़ में कीजिए और सिर्फ 200 लीटर ही छोड़िए, लेकिन करिए ज़रूर उसको, और 10-10 दिन में छोड़िए। तो देखिए शुरुआत में थोड़ा खर्चा आएगा, और गुड़ का खर्चा कुछ ज़्यादा भी नहीं है किसान साथियों, 2 किलो गुड़ चाहिए हमें, और सिर्फ आप 1 एकड़ के लिए कीजिए। आपके भला भले पैसा की कमी ना हो, लेकिन शुरुआत आप 1 एकड़ से कीजिए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि हमारा भरोसा बैठना चाहिए इस काम पे। और जब हमारे फसल का रिजल्ट दिखता है तो हम खुशी होती है।
तो अभी और एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे किसान देखते रहते हैं बाजू वाले की फसल और हमारी, तो वो हमारी फसल की तारीफ करके करते हैं बहुत, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो मेहनत किया उसका फल हमें मिला, तो बहुत सेटिस्फाई है। और आप जब करोगे किसान साथियों, आपकी फसल आपका दिखाएगी कि कितना बढ़िया रिजल्ट हुआ, बाकी हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ज़रूर डालिएगा, आप कोई भी फसल हो, भले आप एक बार स्प्रे किया हो, दो बार किया हो, तो आप बताइए जितना आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो सभी कोई दिक्कत नहीं है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं है ना कुछ तत्वों की, सभी जीवाणु ज़मीन में अवेलेबल है और शानदार रिजल्ट है गौ कृपा का, अमृतम का भी। और स्प्रे हमने जो किया था वो कैसा किया था कि मान लीजिए इस महीने में हमने वेज डिकम्पोजर का स्प्रे किया, तो अगले महीने हम गौ कृपा अमृतम का करते हैं। तो मान लीजिए जिस बार ड्रिप से छोड़ना है तो पहले हम गौ कृपा अमृतम ड्रिप से छोड़ते हैं और स्प्रे ऊपर से गौ कृपा वेज डिकम्पोजर का लेते हैं, और जिस दिन नीचे से हम वेज डिकम्पोजर छोड़ते हैं तो उस दिन ऊपर से हम गौ कृपा अमृतम का छिड़काव करते हैं। तो ऐसा आरी बारी से हम बराबर बैलेंस करते हैं उसको, और बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें मिला है वो। तो ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद। देखिए किसान साथियों, आपको पूरी फसल दिखानी थी वीडियो में, आप दिखा रहा हूँ, देखिए कहीं भी देख लीजिए किसान साथियों, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ वही जगह देखी, कहीं भी देख लीजिए, पूरा खेत जबरदस्त कंडीशन में है, देखिए कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कितना जबरदस्त रिजल्ट है, पूरा हल्दी का खेत बिल्कुल एक जैसा है, कोई कोई दिक्कत नहीं। देखिए किसान साथियों, ये देखिए जमीन, आप ये चुनखड़ी वाली जमीन है जो सफेद सफेद पत्थर रहते हैं, आपको पता है कि ये जमीन सबसे कमजोर मानी जाती है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व की कमी रहती है, ये बिल्कुल मतलब कमजोर जमीन रहती है। वैसे जमीन में भी इसका हम वेज डी कम्पोजर और गौ कृपा अमृतम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, कैसी जमीन हो। और हमारी जो ये जमीन, मैंने पहले वीडियो में बताया जैसे कि इस जमीन का पूरा शोषण हो चुका है, केला और कपास 25 साल से ये दो ही फसल ले रहे थे, तो पूरा रासायनिक तरीके से किया है, इसमें कभी खाद नहीं पड़ा गोबर का, तो ये बैक्टीरिया कल्चर से जमीन 6 महीने में ही उसका रूप बदल गया, क्योंकि मैंने 800 लीटर छोड़ा है उसको हर 10-10 दिन में, और आज मेरे परिणाम आपके सामने है किसान साथियों। तो देखिए किसान साथियों, पहले मैंने जो आपको ये वीडियो दिखाया मेरा हल्दी का, उसमें 70% तक जैविक का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वेस्ट डिकम्पोजर गौ कृपा अमृतम का, और जमीन भी खराब थी लेकिन इतना बढ़िया रिजल्ट इन बैक्टीरिया कल्चर की वजह से आया और मैंने मेरा रिजल्ट दिखाया। अभी हम जो ये हमारे बाजू वाले किसान हैं तो इनका खेत दिखाने लाए है, इनका जमीन देखिए, ये देखिए इनका जमीन, हमारा हमारे जमीन से बिल्कुल अच्छी जमीन है इनकी, काली जमीन है, और इसमें हर साल गोबर की खाद भी डालते हैं, लेकिन इनके समस्या ये है कि ये पूरा रासायनिक तरीके से करते हैं, और रासायनिक की वजह से कितना नुकसान होता है आप सामने देख लीजिए। अभी मैंने मेरी फसल भी दिखाई, तो आपने मेरी फसल को देखा कि उस पर फंगस की बीमारी शुरुआत में आई थी थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें देखिए ये पूरी फसल अभी फंगस में लिपट चुकी है, इसको हम यहाँ पे करपा बोलते हैं, करपा डिसीज। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है किसान साथियों, और जो है प्रूफ के साथ में दिखाना चाहता हूँ, कहीं भी देख लीजिए आप, देखिए। और आपने एक बात इसमें नोटिस की क्या आपने किसान भाइयों, कि देखिए इसमें 50% तक जर्मिनेशन हुआ ही नहीं है, और इसमें सभी तरह 100% रासायनिक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी इसमें 50% जर्मिनेशन हुआ ही नहीं है, देखिए कितनी खुली खुली है फसल पूरी, अभी इसमें से उनका प्रोडक्शन पूरा घट चुका है। तो मैं प्रूफ के साथ यही आपको बताना चाहता हूँ किसान साथियों, कि आपकी जमीन भले ही कैसे हो लेकिन जैविक के इस्तेमाल का आपको प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ही आता है। अभी इनकी जमीन अच्छी है, इन्होंने जैविक और गोबर की खाद भी डाली है, फिर भी देखिए इनकी फसल कितनी कमजोर है इतना रासायनिक का इस्तेमाल करने के बाद भी। और पीछे बारिश जो आई बहुत जबरदस्त बारिश आई, शुरुआत के 2 महीने में बारिश नहीं थी लेकिन बाद में जो 2 महीने में बारिश आई तो वो जबरदस्त बारिश आई थी, तो उसमें भी ये सर्वाइव नहीं कर पाई ये फसल,
और आप देखिए इसमें कितना करपा लग चुका है। देखिए किसान साथियों, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं प्रूफ के साथ बात करूं, ताकि किसान के मन में डाउट आए ही ना, क्योंकि एक डाउट किसान का काम खराब कर देता है, होगा कि नहीं होगा, ये सच है कि नहीं। तो ये हमारा बाजू वाले का ही खेत है और रिजल्ट आपके सामने है। मेरा खेत में और यही खेत में कितना जमीन आसमान का अंतर है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर अगर ये किसान भाई अगर वेस्ट डिकम्पोजर या फिर गौकृपा अमृतम का इस्तेमाल करते तो शायद मेरे खेत से भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आता, क्योंकि इनकी जमीन बहुत अच्छी है। लेकिन सिर्फ पूरा 100% रासायनिक से करने के कारण उनका परिणाम आया नहीं है और पूरी फसल अब खराब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैक्टीरिया कल्चर जरूर इस्तेमाल करें, चाहे वह गोकृपा हो या वेस्ट डिकम्पोजर हो, इसी में आपकी भलाई है। और मेरा यही कोशिश थी कि आपको सच्चाई सामने दिखाऊं, ताकि जब हम एक ही सीजन के दो फसल में हम जब कंपैरिजन करते तब हमें सच्चाई का पता चलता है। देखिए, और इसमें देखिए किसान साथियों, रासायनिक देने के बाद भी इतने इसमें फुटान भी नहीं है, 2 से 3 कहीं कहीं दिख रही है फुटान, सिर्फ देखिए यहाँ पे तो फुटान भी नहीं है, 1 या 2 ही ऐसी है। तो इतनी कमजोर फसल ये हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम आपको बताएंगे नया नया अपडेट कि उनका क्या लाइव रिजल्ट रहा। और एक बात फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर या फिर गौकृपा अमृतम का इस्तेमाल करते हो तो इसमें एक जरूरी बात यह है कि आप उसको कंसिस्टेंसी रखें, मतलब हर 10-10 दिन में देने का शेड्यूल फॉलो करें। एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन महीने में 3 बार जरूर डालें, फिर देखना फिर आपकी फसल कैसा रिस्पॉन्स करती है, और उसी का स्प्रे भी लेना, ठीक है।